मैम ये डॉगी कोई पीछे पड़ गया है लड़की के, एकदम मैं उनको अंदर डाल के रख के अंदर बाहर ही आ रहा था तो देखा तो लड़की भागती हुई, पकड़ो उसको पकड़ो, वो बेहोश गिरी हुई थी। रोज की चैन खींची जा रही है लोगों की, यहाँ कोई पूछने वाला कोई नहीं है, यहाँ पे रोज मोबाइल छीन रहे हैं। ये पीछे कॉलोनी ऐसी है, यहाँ पे लाते हैं खींच के ले जाते हैं। उस दिन जब शोर की आवाज आई तो मैं भी स्कूल टीचर हूँ, तो सुबह मैं भी उठी हुई थी। जब हमने शोर सुना तो मैं और मेरी मम्मी दोनों भाग के बाहर आए। मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो ऐसा वायरल हो रहा है जिस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक लड़की सुबह के टाइम जॉगिंग के लिए निकल रही थी और अचानक एक अज्ञात बदमाश आता है, पहले उसके मुंह पे हाथ रखता है और उसके बाद उसका मोबाइल छीनता है और कुछ उसके पास पैसे या पर्स होते हैं वो छीनता है और उसके बाद सड़क पर उसको धराशाही कर देता है। जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी तो पुलिस हरकत में आ गई। मामला है राजधानी दिल्ली के सैनिक नगर इलाके की, थाना बिंदापुर लगता है और आपको बता दें जिला द्वारका है। इस वक्त मेरी मौजूदगी है उसी सैनिक नगर इलाके में और ये वही जगह है जहां पर सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रही है वो वीडियो यहीं की बताई जा रही है। इसलिए हम यहां पर ग्राउंड जीरो पर आए हैं और लोगों से जुड़ेंगे और जानेंगे कि क्या ये पूरा वाकया यहीं का है। उससे पहले आपको बता दें जो वीडियो में देख रहे हैं आप सोशल मीडिया पे, ये वायरल तस्वीर ये यहीं की है। सामने देखिए ये घर दिखाया जा रहा था, ये तारें जो आ रही है ये तार दिखाई जा रही थी उस वीडियो में और ये पूरा इलाका ही ये वही है। यहाँ पर कुछ लोग हैं इनसे जुड़ते हैं जो चश्मदीद है कहीं ना कहीं, इनसे जुड़ के और जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम ज्योति है। अच्छा ये कौन सा लोकेशन है, ये एरिया कौन सा है? ये नवादा है, सैनिक नगर पड़ता है। हाँ, क्या नगर? कुछ हुआ था, एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, आपने क्या देखा? मैंने ये सुबह यहाँ पर लेडीज जा रही थी और मेट्रो से ही जा रही थी, वो मेट्रो से तो एकदम पीछे से एक लड़का आया एकदम और उसने एकदम गर्दन समेत ऐसे पकड़ लिया उसको, वो बेहोश हो गई थी और उसके हाथ से पर्स और मेरे ख्याल से फ़ोन था, बैग था कुछ, वो सामान लेके भाग गया, बेहोश हो गई थी वो लड़की। यहाँ कितने बजे की ये बात हो रही है? सुबह 6:30 मॉर्निंग, क्योंकि कोई होता नहीं ना, ठंड का इलाका है तो ठंड में इस टाइम कोई होता नहीं, निकलता नहीं है, तो वो ऐसे हुआ कि वो चीखी भी है। हम लोग बाहर आए, हस्बैंड मेरे हैं वो बाहर आए एकदम, तो तब तक भाग चुका था, वो लड़का भाग गया था। हाँ, कैसे पता लगा आप लोगों को वो लड़की यहीं की रहने वाली थी? हाँ, पीछे कई बी ब्लॉक में शायद पीछे रहती है, वो रो पड़ी थी या रो रही थी और गिर भी गई थी, बेहोश हो गई थी, फिर मेरे हस्बैंड ने उठाया उसको, फिर वो बोलने लग गई कि पकड़ो उसको पकड़ो, वो एकदम भाग गया निकल गया, तो कैसे पकड़ते क्योंकि ठंड के, और आजकल ना वैसे भी लेडीज़ कोई सेफ नहीं है यहाँ पर, जिस हिसाब से ये बर्दात हो रही है तब बिल्कुल सेफ नहीं है लेडीज़, बिल्कुल भी नहीं, बहुत मुश्किल है। तो उस महिला ने बताया क्या कुछ हुआ उसके साथ? उसको होश ही नहीं थी, वो एकदम जैसे आ रही थी वो कान में मेरे ख्याल से उसने कुछ लगाया हुआ था, कान में बात करते करते आ रही थी, पीछे से उसने एकदम मारा और ले गया एकदम झपटा, गर्दन से पकड़ लिया ना उसने तो वो ले गया। इस तरह की वारदात तो कोई पहली बार हुई या इससे पहले भी कभी? बहुत बार होती है, ऐसी बात नहीं है, बहुत बार होती, यहाँ होती है, कई और भी होती है, पीछे भी हुई थी, लोग खड़े होते हैं, लेडीज खड़ी होती हैं, बाइक पे आते हैं चैन खींच के ले जाते हैं, बहुत कुछ होता है, ऐसी बात नहीं है, लेडीज़ के साथ तो बहुत कुछ होता है क्योंकि लेडीज शाम को रात को और सुबह सुबह तो निकल ही नहीं सकती कि उनको पता नहीं होता ना इस टाइम क्या होता है क्या नहीं, और ऐसा खींच के ले जाती हैं, ये लोग आते हैं बाइक पे आते हैं, चोर लोग होते हैं वो ले जाते हैं। इलाके में पुलिस की पेट्रोलिंग की अगर हम बात करें खासतौर पे महिला सुरक्षा को लेकर, तो पुलिस किस तरह से मुस्तैद है, पेट्रोलिंग होती है यहाँ पर? नहीं होती है, अगर करोगे रिपोर्ट तो ज़रूर आएगी, वो ऐसी बात नहीं है, राउंडिंग नहीं है यहाँ पर, राउंडिंग वगैरह कुछ नहीं है कि बंदा जैसे मेट्रो पे भी हो या कुछ हो, वो नहीं है, राउंडिंग नहीं है, जैसे रात को भी एक बार राउंड लगाना चाहिए वो चीज़ नहीं है यहाँ पर। क्या कुछ देखा आपने? आपने देखा मैं डॉगी को सैर कराने जाने के निकले, कोई बेल्ट डाल रहा था, इतनी देर बहुत जोर से चीखों की आवाज़ आई, मैम ये डॉगी कोई पीछे पड़ गया है लड़की के, एकदम मैं उनको अंदर डाल के रख के अंदर बाहर ही आ रहा था तो देखा तो लड़की भागती हुई, पकड़ो उसको पकड़ लो, वो बेहोश गिरी हुई थी, नीचे गिरी हुई थी, इतनी देर में तो मैं बाहर निकला एकदम खड़ी होकर, कहती पकड़ो पकड़ो, वो मेरा ले गया, मेरा खींच के ले गया।
मैं इतनी देर में देखा तो फिर देखा तो भाग गया, तो नजर नहीं आया, चला जा चुका। यहीं के रहने वाली लड़की यहीं की थी, बी ब्लॉक की थी, सैनिक नगर की। जो अज्ञात बदमाश था वो आपने देखा था? लंबा सा था पर वो भाग रहा था, एकदम जा रहा था, गेट में से निकल गया, उधर से निकल गया वो। इस तरह की वारदात पहली बार हुई है? इससे पहले की रोज की चैन खींची जा रही है लोगों की, यहाँ कोई पूछने वाला कोई नहीं है, यहाँ पे रोज मोबाइल छीन रहे हैं। ये पीछे कॉलोनी ऐसी है जहाँ पे लाते हैं खींच के ले जाते हैं। पुलिस का रवैया किस तरह से? इसका रवैया जी कोई पूछताछ नहीं है, सब कोई एक्शन लेक्शन कुछ नहीं हो रहा है। पेट्रोलिंग होती है? पेट्रोलिंग तो कभी कभी आवाज निकलती है, गाड़ी की निकलती है, पर कोई एक्शन नहीं होता। बड़ा सवाल है, जो दिल्ली पुलिस महिला सुरक्षा के लिए हमेशा कहती है कि दिल की पुलिस यानी दिल्ली पुलिस, वो दिल्ली पुलिस जब बड़ी वारदात हो जाए तब चैन की नींद पहले सोती रहती है, उसके बाद कहीं ना कहीं नींद में खलल पड़ती है और जाग जाती है, क्योंकि बड़ा वारदात होने को होता है इलाके में। ये वही इलाका है, यहाँ पर एक महिला के साथ आपको बता दें देर सुबह जो वारदात हुआ वो पूरा सीसीटीवी में कैद हो गया। कुछ और लोग हैं, इनसे जुड़ते हैं, आप यहीं रहते हैं? हाँ जी, मेरा ये बगल वाला ही घर है। तो उस दिन जब शोर की आवाज़ आई तो मैं भी स्कूल टीचर हूँ, तो सुबह मैं भी उठी हुई थी। जब हमने शोर सुना तो मैं और मेरी मम्मी दोनों भाग के बाहर आए, तो हमारे सामने भैया हैं वो जो हमारी लेडी थी, उन्होंने उनको बुलाया कि अंकल जल्दी चलो जल्दी चलो, कोई मुझे मार रहा था। बिकॉज उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो बिल्कुल लेट चुके थे, तो भैया को भी कुछ समझ नहीं आया, भैया अंदर थे तो वो तुरंत बाहर भाग के आए। बोले अरे क्या हो गया? बोले भैया आप मेरे साथ चलो, देखो कोई मुझे मार के गया है, किसी ने मेरा फोन छीन लिया। और वो शोर करते हुए फिर वो यहाँ से उधर भागते चले गए। वो कौन था अज्ञात बदमाश जो था, उसको आप लोगों ने कभी देखा है? नहीं, अब वो तो पता है पूरा, वो कैप वगैरह लगा के था, जो हमने भी सीसीटीवी में देखा। जब मैंने शोर सुना तो ही मैं बाहर आई, अदरवाइज तो हम अंदर ही थे। पुलिस पेट्रोलिंग की अगर बात करें तो किस तरह से यहाँ पुलिस आती है? पुलिस तो नहीं आती है, कई बार मैंने देखा है मेट्रो स्टेशन पे उनकी गाड़ी खड़ी रहती है, बट ऐसे पेट्रोलिंग की बात करें तो नहीं होती है। नहीं होती है। देखिए खास तौर पर अगर हम इस इलाके की बात करें तो ये बिंदापुर थाना इलाका है, सैनिक नगर, और पुलिस की पेट्रोलिंग नहीं होती है। यही कारण है कि जो अज्ञात बदमाश होते हैं उनके लगातार हौसले बुलंद होते जा रहे हैं और इस तरह की वारदात को वो अंजाम देने में कामयाब भी हो जाते हैं। मैम आप यहीं रहते हैं? मैं यहीं रहती हूं। क्या कुछ देखा आपने? हमने तो देखा कुछ नहीं, बस शोर सुन के सुबह उठे तो इनसे पता लगा कि ऐसे ऐसे वारदात हुई है जो कैमरे में कैद हो गई थी। इस तरह की वारदात कोई पहली बार हुई है, इससे पहले भी कभी हुई है? चेन स्नेचिंग तो होती है। चेन स्नेचिंग होती है? होती है, अक्सर लोगों की होती है। पुलिस का क्या कुछ कहना होता है? कोई यहाँ राउंड नहीं है पुलिस का। पुलिस की राउंड नहीं है? नहीं। तो देखिए दिल्ली पुलिस कितने ही दावे कर ले सुरक्षा के मामले में, लेकिन साफ ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट ये बताती है कि यहाँ के जो लोग हैं वो दिल्ली पुलिस के काम से नाखुश है। इसलिए कि कभी भी इस इलाके में बड़ी वारदात हो सकती है, बड़ी वारदात को अंजाम दिया जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है वीडियो बता रही है कि दिल्ली पुलिस की नाकामी किस तरह साफ नज़र आ रही है, और यहाँ के लोग आपको बता दें कितना परेशान है, सुरक्षा को लेकर चिंतित है, ये साफ झलक रहा है इस सोशल मीडिया के वायरल वीडियो में। ज़रा ये नज़ारा आपको दिखा देता हूँ मैं, ये वही गली है देखिए सैनिक नगर का, ये सामने देखेंगे जो गेट बंद है, और इस साइड अगर गली के मैं ले जाऊँगा आपको तो सामने देखिए ये नवादा मेट्रो के ठीक बगल वाली गली है, इसलिए ये सैनिक नगर है, और इसलिए यहाँ पर वारदात को अंजाम देने में अज्ञात बदमाश कामयाब हो गया, क्योंकि सुबह का समय था, सब लोग सो रहे थे और मौका देखते ही महिला को अपना शिकार बनाया, स्नैचिंग करी, पर्स छीना और एक झटके में रफू चक्कर हो गया। पीड़ित महिला उठी चिल्लाती रही और यहाँ के आसपास के लोगों ने उठकर उनकी मदद करी, लेकिन कहीं ना कहीं आपको बताएं यहाँ की प्रशासन एक बार फिर सवालिय निशानों के घेरे में है कि आखिरकार महिला सुरक्षा को लेकर इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई, क्यों नहीं दिल्ली पुलिस जागती है, क्यों हम महिला सुरक्षा की जब बात करते हैं तो आखिरकार महिला सुरक्षा है कहाँ जब इस तरह के वारदात का सामना करना पड़ता है महिलाओं को। आप देख सकते हैं क्या दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था अब राम भरोसे है। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष के साथ उदय हिंदुस्तानी, उदय भारत न्यूज, दिल्ली। नमस्ते, मैं हूँ मोनिका रावन, और देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए उदय भारत न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि देश दुनिया की सारी खबरें आप तक पहुँचे सबसे पहले। मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है।